नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं थाना बेगमपुर के बाहर। थाना बेगमपुर टीम को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल दो लोग जो अपराधी थे और किसी अपराध की घटना को अंजाम देने जा रहे थे, थाना बेगमपुर टीम ने उन्हें धर दबोचा सही समय पर और किसी अपराधी घटना को अंजाम देने से पहले ही उन्हें रोक लिया। रोहिणी डीसीपी रोहिणी और एसीपी बेगमपुर की निगरानी में थाना एसएचओ की रेखदेख में टीम का गठन किया गया है, जो आपराधिक गतिविधियों पर बहुत सतर्कता से काम कर रही है और आपराधिक घटनाओं को होने से पहले ही रोकने की पूरी कोशिश करती है। इसी तरह से चल रहे ऑपरेशन पराक्रम के तहत पूरी दिल्ली में, खासकर की रोहिणी में, आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की बहुत अच्छी पहल जो है वो पुलिस के द्वारा की गई है। बेगमपुर थाना टीम गश्त के दौरान निकली तो उन्हें दो लोगों पर संदेह हुआ। मोटरसाइकिल पर दो युवक घूम रहे थे। संदेह के दौरान जब टीम ने उन्हें रोका और उनकी चेकिंग की तो पता चला कि जिस मोटरसाइकिल पे वो घूम रहे थे वो चोरी की थी और तलाशी लेने पर उनके पास से एक बटन वाला चाकू भी बरामद हुआ। जब उन्हें थाने लाकर उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे थे। जी हाँ, उन दोनों आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और उन पर पहले भी आपराधिक कई मामले दर्ज है। पहले अपराधी की पहचान गौरव, जिसकी उम्र 18 साल है, वो पूट का रहने वाला है, के रूप में की गई। दूसरा अपराधी, जिसका नाम राधा मोहन, उम्र 24 साल, सुल्तानपुरी का निवासी बताया गया है। ऑपरेशन पराक्रम के तहत रोहिणी पुलिस बहुत अच्छा सराहनीय काम करती नजर आ रही है, जो कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने का बहुत ही अच्छा काम है। रोहिणी डीसीपी और एसीपी की निगरानी में थाना बेगमपुर एसएचओ जो लगातार अपना गुड वर्क कर रहे हैं, आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके जरिए रोहिणी में होने वाली सभी आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की तैयारी चल रही है और बहुत हद तक अपराधियों को पहले ही धर दबोचा जाता है, जिसकी वजह से आपराधिक घटनाएं कम हो रही है। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैनल 24 न्यूज़।